यस। तो आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले एक क्वेश्चन जो 2019 के एनआईडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है जो रिप्रेजेंट करता है गांधी जी की 150वीं जयंती। तो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे सोचना है, किस तरीके से आपको पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है, ये सब चीजें मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ। नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। यस दोस्तों, आज के क्लास में जैसे कहा था कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर एक पोस्टल स्टैम्प डिजाइन करना है। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से सोचते हो, आप ठीक तरीके से उसको समझते हो, तो ये बहुत क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो। तो यस, तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चीजें हाईलाइट करनी है जो हमें इम्पोर्टेंट देनी है, क्योंकि डिजाइन करने के टाइम पे हमें हमेशा एक प्रायोरिटी रखनी पड़ती है कि कौन सी चीज बड़ी रखनी है, कौन सी मीडियम साइज में और कौन सी छोटे साइज में। तो ये प्रायोरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम रीड कर रहे हैं उसी टाइम पे कुछ चीजें जो है वो हम हाईलाइट करते हैं, जैसे कि एक 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसके बारे में है? तो यस, महात्मा गांधी जी के बारे में है, तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीजें सबसे ज्यादा आपके डिजाइन में हाईलाइट होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन डिजाइन कर रहा है, किसके लिए डिजाइन कर रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये डिजाइन की जा रही है पोस्टल स्टैम्प। और थर्ड थिंग, अगर ये पोस्टल स्टैम्प है तो ऑब्वियसली जो चीज आती है कि उस स्टैम्प की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है 20 रुपीज के लिए ये स्टैम्प आपको डिजाइन करना है, तो वो 20 रुपीज भी वहां पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में उन्होंने कहा है उसको कलर भी करना है। तो यस दोस्तों, ये कलर करने के टाइम पे भी कुछ चीजें हमें सोचनी है, जैसे कि ये पोस्टल स्टैम्प है तो उसका मास प्रोडक्शन होगा और जो उसकी वैल्यू जो होती है वो 20 रुपीज के हिसाब से कम वैल्यू में वो प्रिंटिंग कॉस्ट निकलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे काउंट की जाती है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है, आप एंड प्रोडक्ट के बारे में कितना सोचते हो। तो यस, ये चीजें थी स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग ने देखा कि इम्पोर्टेंट दिया है फर्स्ट, तो 150th बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लास्ट कलरिंग पार्ट। तो कलरिंग पार्ट में आपको ड्राई कलर्स यूज करने हैं और उसके साथ अगर आप मोनोटोनस कलर स्कीम यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस तरीके से ही मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स होते हैं। कुछ ऑप्शनल है जहाँ पे एक स्पेशल स्टैम्पिंग होता है तो वो कलरफुल किया जाता है, बट यस डेफिनेटली वो हमें सोचना है कि कलरिंग कॉस्ट के हिसाब से वो वन कलर और टू कलर होना चाहिए। तो यस दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे स्टार्ट करने से पहले, और ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो है हमें क्विकली स्केचेस और क्विकली थंबनेल्स बनाने हैं। यस, दो थंबनेल्स कम से कम बनाने हैं ताकि आप जो भी चीजें रखी हुई है उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, किस चीज को एम्फोसाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है, उनको कितना बड़ा या छोटा रखना है, वो सब चीजें आप उसके अंदर, आपके थंबनेल्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो और प्लेस कर सकते हो। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आप पेज देख रहे हो जहाँ पे मैंने भी कुछ थंबनेल्स किए थे, और मैंने ऑलमोस्ट 3 थंबनेल्स किए यहाँ पे, और तीनों के तीनों काफी अच्छे टर्नआउट हुए हैं। और यस, मैं ये तीनों के तीनों आपको फाइनल करके दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यस, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले ऐसे वीडियो जो है वो आप मिस नहीं करोगे। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैंने मेरा ईमेल आईडी जो है वो
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यस, तो आज के क्लास में हम सेकेंड थंबनेल के हिसाब से जो है ये पोस्टर स्टैम्प डिजाइन करने वाले हैं, और आप मेरे जो फर्स्ट थंबनेल के हिसाब से जो डिजाइन किया था वो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। तो अब इस सेकेंड थंबनेल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 150 लिखा हुआ है वो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ करने की मैंने कोशिश की हुई है। वहाँ पे वो डायनामिज्म जो है वो ऐड करने की कोशिश की हुई है। उसके साथ आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो गांधी जी का फेस है वो मैंने जो जीरो है 150 का उसके अंदर बिठाने की कोशिश की हुई है। प्लस कुछ एलिमेंट जैसे ट्राइंगल्स है सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी कुछ ऐड किए हुए हैं। तो चलो इसको इसको ध्यान में रखते हुए कितना हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फाइनल आर्टवर्क के, वो सब चीज़ें आज देखते हैं इस क्लास में। यस, तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड थंबनेल हमने बनाया था उसके हिसाब से हम इस पेपर पे अभी फाइनल आर्टवर्क करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्टैम्प का बेसिक डिज़ाइन जो है ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया हुआ है, और इसके अंदर हमें आप जो भी है हमारा जो स्केच है वो डाल के एक पोस्टल स्टैम्प जो है कम्प्लीटली डिज़ाइन करना है। तो यस, तो थंबनेल्स को फॉलो करने के हिसाब से जो है तो डिवाइडेशन यहाँ पे किया था कुछ लाइंस इस तरीके से। ड्रॉ की हुई है और उसी के ऊपर जो है वो स्मॉल स्मॉल डिजाइन जो सेलिब्रेशन का फील होता है उसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से, और प्लीज यहाँ पे भी सेम तरीके से जो लाइंस है वो हमने ड्रॉ किए थे। तो ये था बेसिक ये, और इसके अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के हिसाब से 150 जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया था। और यस, यहाँ पे ज़ीरो के अंदर ही गांधी जी का फेस जो है हमें वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफिकल वे से ही गांधी जी का फेस यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक ग्राफिकल स्टैम्प है तो ज़रूरी नहीं कि उसके रियलिस्टिक फीचर्स ही आने चाहिए। इस तरीके से जो है गांधी जी को हमने ड्रॉ किया हुआ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए
हाँ, ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, यार यहाँ पे सिर्फ इतना एरिया जो है वो वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसी तरीके से। तो ये लाइन भी हम मिटा सकते हैं, गांधी जी को जो है ऊपर रख सकते हैं। और फिर ये जो दो चीज़ें बची है यहाँ पे आप 150 जो है उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी देखा कि 1 के लिए मुझे कम स्पेस चाहिए और 5 के लिए, 5 लेटर जो बड़ा है उसके लिए बड़ी स्पेस चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये 150 का 1 यहाँ पे है इस तरीके से, आपको चाहिए तो इसको थोड़ा सा एलिमेंट देने के लिए ये इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और अगेन पर्सपेक्टिव लाइन के हिसाब से इस तरीके से हमने 150 और प्लस जो है उसको ड्रॉ किया, गांधी जी का फेस जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पर्सपेक्टिव अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अब ये एरिया में स्पेसिफिकली आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लिखना है तो आप वो लिख सकते हो, गवर्नमेंट इंडिया। और कुछ और मोटिव भी यहाँ पे अगर आपको डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं, या ये स्पेसिफिक एरिया को मैं चेंज करके ₹20 का जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अराउंड भी आपको कुछ डिज़ाइन करनी है मोटिवेशन, और तो आप वो ऐड कर सकते हो।
एम्फसाइज करने के लिए और सेलिब्रेशन का फील यहाँ पे लाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और फाइनली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये बेसिक स्केच हमारा रेडी हो जाता है, तो हम लोग ब्लैक से आउटलाइन करेंगे उसको और फिर फाइनल कलरिंग के लिए जाएंगे। और ये जो टेक्स्ट है इसकी प्रैक्टिस बहुत आपको करनी चाहिए कि प्रॉपरली आप क्विकली कैसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, प्लस उसकी थिकनेस जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैं ये बार बार बताना चाहूँगा कि आपको पहले से ही बहुत प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी खुद के स्पीड के बारे में आइडिया आ जाएगी कि आप कितना ड्राइंग कितने टाइम में अच्छा बना सकते हो, तो उसके हिसाब से आप पूरे पूरे की पूरे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या टाइम का मैनेजमेंट जो है आप कर सकते हो। और टाइम मैनेज करना ही मेन की है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि आप अगर विद इन द टाइम पीरियड आप एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपका पेपर आप कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आपको फाइनल रिजल्ट के लिए डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ लाइंस जो नहीं चाहिए हम उसको इरेज करेंगे। अब कलर की जब बारी आती है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कलर का ये जो है उसमें लिमिटेशन हो सकता है फाइनल प्रोडक्ट के टाइम पे, तो इसके लिए हम लिमिटेड या टू टोन्स में जिसको बोलते हैं उसको हम कलरिंग इसमें करने वाले हैं।
सबसे पहले इसको ही हम करेंगे, बैकग्राउंड इस पे नहीं करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो एक कंसिस्टेंसी स्ट्रोक का जो डायरेक्शन है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, तो वो प्रॉपर अच्छा लगता है फीलिंग। तो वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बारे में भी मेरे कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो, कलर फीलिंग किस तरीके से करने चाहिए। और स्पेसिफिकली जब हम ड्राई मीडियम की बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि ड्राई मीडियम ही अलाउड है एग्ज़ाम के लिए। यस कुछ जगह पे यस डेफिनेटली, जैसे कि आप कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट, इनके लिए अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग मीडियम्स अलाउड किए जाते हैं यूज़ करने के लिए, बट वहाँ सिमिलर वे यहाँ पे भी ये पैच को मैं इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ, तो उस एरिया को मैं कलर करूँगा। सो इस तरीके से ये एरिया भी कवर किया हुआ है, और उसको बैलेंस करने के लिए ने अब यहाँ पे हम ये जो कुछ सेलिब्रेशन के हम लोग ने पटाखे लगाए हुए हैं उसको हम कलर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ब्लूज़ के ही शेड्स यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर करके, तो एक बहुत अच्छा फील उसको और ला सकता है। ट्राई करो कि सेम कलर नज़दीक में नहीं आए तो वो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ के जो डिज़ाइन कलर है उसको भी हम फील कर सकते हैं इस तरीके से क्विकली। और फाइनली ये एरिया को छोड़ते हुए जो बाहर का एरिया है उसको मैं कलर करना चाहूँगा। दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। काफ़ी कम लोग सोचते होंगे इसके बारे में कि आउटसाइड का भी कलर कर सकते हैं। ये सब डिपेंड है आपके पास, अगर आपने जो डिसाइड किया टाइम है, अगर आपके पास वो उतना टाइम बचा हुआ है तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें कर सकते हो। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कुछ पैटर्न डिज़ाइन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको टाइम परमिट करता है तो ही। मेरे हिसाब से ये जो कलर किया है वो अच्छा लग रहा है, एक ओरल गेटअप स्टैम्प का बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। और मेन 150 जो है काफ़ी अच्छा हाईलाइट होके या एम्फेसाइज होके यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। अगेन ध्यान में रखना है प्रेशर के ऊपर, क्योंकि कलर पेंसिल में प्रेशर से आप शेड वेरिएशन ला सकते हो, तो वो कंसिस्टेंसी भी रखनी है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हो तो शेड डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखे। यस तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये सेकेंड थंबनेल हमने जो बनाया था वो भी जो है आर्टवर्क फाइनल स्टैम्पिंग कम्प्लीटली डिज़ाइन किया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी ऑप्शन। सो ये कम्प्लीटली डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से थंबनेल करते हो और कौन सा थंबनेल चूज़ करके फाइनल, बट यहाँ पे मैंने ये सेकेंड ऑप्शन भी आपको करके दिखाया है। तो अलग तरीके से अगर कुछ सोचते हैं तो कैसे कलर स्कीम कैसे हम डिफरेंटली सोच सकते हैं, डिज़ाइन कैसे हम डिफरेंटली सोच सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। यस दोस्तों, तो ये था गांधी जी की 150वीं जयंती पर डिज़ाइन किया हुआ स्टैम्प।
और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हुआ है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और आपके जो भी क्वेरीज है उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यस, फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक मौका है जहाँ पे आप क्विकली सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो, तो आने वाले सब इवेंट्स के बारे में और मेरे क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाते रहिए, स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।